नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्यूज में आपके लिए लेकर आए हैं 25 सवाल जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए खेलते हैं इस वीडियो क्यूज को। स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर वन से। किस प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा एकांत कारावास को असंवैधानिक घोषित किया गया? इसका सही जवाब देने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं और जवाब सोचने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल उच्च न्यायालय ने। आगे सवाल नंबर टू। लीसांग विद्युतीकृत होने वाला देश का आखिरी गांव स्थित है? ऑप्शंस देखिए, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में। इसका सही जवाब आपको सेलेक्ट करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। आगे सवाल नंबर तीन, खाली जगह को भरना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जवाब काफ़ी सिंपल होना चाहिए आपके लिए, आपके लेवल के हिसाब से। और ये वीडियो लेवल नंबर 12 है। इसके पहले वाले आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर जो आई कौन दिख रहा है, आई बटन, उसको क्लिक कीजिए और उस छूटे हुए वीडियो को देखिए और अपने नॉलेज को और भी आगे बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लीवर यकृत। आगे सवाल नंबर चार। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पत्तिया। आगे सवाल नंबर उसका पत्तिया आगे लीफ। आगे सवाल नंबर पाँच। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है, सोच कर जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। आगे सवाल नंबर छः। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित रहता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। दोस्तों, अगर नॉइस आ रहा हो शायद आपके फ़ोन में, तो आप वॉल्यूम को कम करके वीडियो को देखिए, परेशान है हम इससे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निकिल, जस्ता और तांबा। काफ़ी अच्छा सवाल था, इसका सही जवाब है निकिल, जस्ता और तांबा। आगे सवाल नंबर सात। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकृत ऊष्मा के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो इसके लिए आपको जवाब सोचना होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे सवाल नंबर आठ। हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति की ध्वनि को खाली जगह कहा जाता है? ऑप्शंस में से कोई एक को वहां भर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो सोचिए जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्रासोनिक। इन्फ्रासोनिक काफ़ी अच्छा सवाल है। आगे सवाल नंबर नौ। जल में वायु का गुब्बारा व्यवहार क्या करता है? हाँ, कैसा काम करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस का की भांति काम करता है। आगे सवाल नंबर दस। आर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब आपको सोचना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पक्षी। काफ़ी अच्छा सवाल। आगे सवाल नंबर ग्यारह। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गति। आगे सवाल नंबर 12। संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी? काफ़ी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। आगे सवाल नंबर 13।
दोस्तों 13 नंबर सवाल पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। ये जो सब्सक्राइब दिख रहा है इसको क्लिक कीजिए, इसके क्लिक करते ठीक ऐसा दिखेगा तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, बजा दीजिए, ताकि आप एक भी वीडियो छूट ना सके। आप हर वीडियो को देखिए, क्योंकि हर वीडियो में एनर्जी होता है, नॉलेज होता है, एनर्जेटिव होता है और नॉलेजेबल होता है। आप नॉलेज को इनक्रीज ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि आप होने वाले एग्ज़ाम में आसानी से सफलता प्राप्त कर सके, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सके, मेरिट बन सके आपका। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप सभी पढ़े और सभी बढ़े और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। आगे सवाल नंबर 13, संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। आगे सवाल नंबर 14, पुष्पों नर लैंगिक अंग खाली जगह है, पुष्पों नर लैंगिक अंग खाली जगह को भरना है क्या है? ऑप्शन से क्लियर होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुरकेसर, पुन केसर, इसका सही जवाब है पुन केसर। आगे सवाल नंबर 15, पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की? काफ़ी अच्छा सवाल है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए फ्लेमिंग। आगे सवाल नंबर 16, मानव शरीर में सबसे कमज़ोर मांसपेशी कौन सी है? इसके लिए ऑप्शन से दिए जा रहे हैं, आपको उसको सेलेक्ट करते हुए सही जवाब देना होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीडियस, इसका सही जवाब है स्टेपीडियस। आगे सवाल नंबर 17, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने टाइम ड्यूरेशन? पूछ रहा होगा, यस टाइम ड्यूरेशन आपसे पूछा जा रहा है, आप इसका सही जवाब बताइए, पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, एक बार पढ़े होंगे तो आपको याद हो जाना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 90 मिनट के लिए। आगे सवाल नंबर 18, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट 2018 में समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के जहाँ केरल शीर्ष स्थान पर है वहीं खाली जगह है का स्थान सबसे नीचे है, जो केरल शीर्ष स्थान पे है तो सबसे नीचे वाले स्थान पे कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट 2018 में समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के जहाँ केरल शीर्ष स्थान पर है वहीं खाली जगह का स्थान सबसे नीचे है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे नीचे है, क्लियर। आगे सवाल नंबर 19, वर्ष 2013 से 15 के दौरान जन्म के समय लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट रही, इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात, इसका सही ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए आंसर देना है आपको, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। आगे सवाल नंबर 20, द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, ए न्यायमूर्ति पीवी रेड्डी, बी न्यायमूर्ति दत्तू, सी न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर एंड डी न्यायमूर्ति वेटकट राघवन, इसका सही जवाब आपको सेलेक्ट करते हुए आंसर को देना है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति पीवी रेड्डी। आगे सवाल नंबर 21, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 200 गायों को किस देश के ग्रामीणों को दान स्वरूप प्रदान किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी ना कभी आपसे ये सवाल पूछेगा पेपर में और आपको उस समय तकलीफ होगा कि हमको शायद पढ़ लेना चाहिए था जो जीरो से जीनियस तक वाले बता रहे थे, तो पढ़ लीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रवांडा। आगे सवाल नंबर 22, राष्ट्रमंडल देशों का 25वां शिखर
शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ कहाँ, इसके लिए आपको सही जवाब सेलेक्ट करते हुए आंसर देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। आगे सवाल नंबर 23, शंघाई सहयोग संगठन का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ, ये आपसे पूछ रहा है। काफ़ी अच्छा सवाल है, मोदी जी चर्चे में रहे थे उस समय, तो आपको याद होना चाहिए, आपकी देश की बात है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किंगदाओ में, किंगदाओ में। ओके, आगे सवाल नंबर 24, त्रिपुरा का राजकीय फल घोषित किया गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछेगा, कितने बार एग्जाम में ये सवाल पूछेगा, तो आप तैयार रहिए। और दोस्तों, आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखना है तो आप उस आई बटन पे क्लिक करते हुए आप वीडियो देख सकते हैं, या आप वीडियो के प्लेलिस्ट से, चैनल के प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। ज़रूर देखिए, उससे नॉलेज आपका इंक्रीज होगा, आप और भी मजबूत होंगे, इंटरनल पावरफुल होंगे, आपका नॉलेज बहुत आसमां तक चला जाएगा। पढ़ते जाइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनानास पाइनएप्पल। आगे सवाल नंबर 25, विक्टोरिया गाथिक एवं आर्ट डेको इमारतें भारत की 37वीं विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई, जो स्थित है, जगह का नाम पूछ रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। आगे सवाल, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने कितने देशों को T20 क्रिकेट की मान्यता प्रदान किया। अब थोड़ा सा भी मैच देखते हैं और पढ़ाई करते हैं तो दोनों पर्सन इसका जवाब दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो जल्दी लाइक कीजिए दोस्तों, काफ़ी प्रश्न को टाइप करने में टाइम लगा है दोस्त, इसलिए लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। Field, okay.